भारत त्योहारों, मान्यताओं और उत्साह की भूमि है। इस भूमि पर कई ऐसे वीर, तेजस्वी और आध्यात्मिक व्यक्तियों ने जन्म लिया है, जिनके कारण ये भूमि और अधिक गौरवान्वित हुई है। आज हम ऐसे ही एक ओजस्वी, परम प्रतापी कार्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन जी की बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं सहस्त्रार्जुन जयंती पर खबर 100 की खास पेशकश कथा कार्तिवीर्य सहस्त्रार अर्जुन जी की। सहस्त्रार्जुन जयंती कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाई जाती है। सहस्त्रार्जुन की कथाएं महाभारत और वेदों के साथ सभी पुराणों में प्रायः पाई जाती है। चंद्रवर्षीय ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ हेह वंश एक उच्च कुल के क्षत्रिय हैं। महाराज कार्तिवीर्य अर्जुन सहस्त्रार्जुन जी का जन्म कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को श्रावण नक्षत्र में प्रातः काल के मुहूर्त में हुआ था। वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के द्वारा जन्म कथा का उनका वर्णन भागवत पुराण में भी मिलता है। अतः सभी अवतारों के भांति वे भी भगवान विष्णु के 24वें अवतार माने जाते हैं। इनके नाम से भी पुराण संग्रह में सहस्त्रार्जुन पुराण के 3 भाग हैं। भगवान सहस्त्रार्जुन और रावण के बीच की कथा काफी प्रचलित है। दरअसल हुआ ये था कि जब सहस्त्रबाहु अपनी पत्नियों के साथ नर्मदा में अठखेलियां कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी एक पत्नी के कहने पर अपने हाथ फैलाकर नर्मदा के बहाव को रोक दिया था। इससे नर्मदा का जल इधर से उधर बहने लगा। कहीं कुछ दूरी पर शिवजी की उपासना में लीन रावण की पूजन सामग्री इसमें बह गई। कारण पता चलने पर क्रोधित रावण सहस्त्रबाहु को दंड देने के लिए उनके पास पहुंचा। दोनों में जिसके बाद युद्ध शुरू हो गया और अंततः सहस्त्रबाहु के एक तगड़े प्रहार से रावण अचेत होकर धरती पर गिर पड़ा। उसे बंदी बना लिया गया और सहस्त्रबाहु अर्जुन ने त्रिलोक विजेता रावण को भी धूल चटा दी थी। बाद में रावण के पितामह महर्षि पुलत्स्य के आग्रह पर उसे छोड़ दिया गया। सहस्त्रबाहु अर्जुन का जन्म महाराज हेहे के 10वीं पीढ़ी में माता पद्मिनी के गर्भ से हुआ था। राजा कृतवीर्य के संतान होने के कारण ही इन्हें कार्तिवीर्य अर्जुन और भगवान दत्तात्रेय के भक्त होने के नाते उनकी तपस्या कर मांगे जाने पर सहस्त्रबाहु भुजाओं के बल के वरदान के कारण उन्हें सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहा जाता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन विष्णु के 24वें अवतार हैं, इसलिए उन्हें उपास्य देवता मानकर पूजा जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी की सहस्त्रार्जुन जयंती एक पर्व और उत्साह के रूप में मनाई जाती है। हिंदू धर्म संस्कृति और पूजा पाठ के अनुसार स्नानादि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प कर और दिन में उपवास अथवा फलाहार कर शाम में सहस्त्रार्जुन का हवन पूजन कर उनकी कथा सुनी जाती है। हरिवंश पुराण के अनुसार जो मनुष्य सहस्त्रार्जुन के जन्म आदि का पाठ नित्यशः करते हैं और सुनते हैं, उनका धन कभी भी नष्ट नहीं होता है, और अगर धन नष्ट हो भी जाता है तो उन्हें वापस धन की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार जो लोग श्री सहस्त्रार्जुन भगवान के जन्म वृतांत की कथा की महिमा का वर्णन कहते हैं और सुनते हैं, उनकी जीवन और आत्मा यथार्थ रूप से पवित्र हो जाती है और वे स्वर्ग लोक में प्रसन्नचित होते हैं।